इस वक्त हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ हैं और शिल्पी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, देखिए आज महाशिवरात्रि का महासंयोग जो है उसकी बात हो रही है, तो जरा इस पर प्रकाश डालिए कि आज महासंयोग कैसे बन रहा है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले आप सबको, जीएनटी के सभी दर्शकों को और गीतिका जी आपको और अदिति जी आपको भी आज इस पावन पर्व की, शिवरात्रि की शुभकामनाएं, और आपके जीवन में भी मंगल रहे, और जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबका जीवन भी मंगलमय रहे, और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं, उन सबके लिए इस महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महासंयोग की। आज का दिन बड़ा ही शुभ और पावन है, क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि पर शिव योग जो है बन रहा है, और सर्वार सिद्धि योग भी आज के दिन बन रहा है। और आज का दिन विशेष करके शास्त्रों के हिसाब से भगवान शिव के विवाह दिवस के रूप में, और शिव के न, न, जो शिव का जो स्वरूप है उसके रूप में, लिंगेश्वर स्वरूप के रूप में भी आज का दिन माना जाता है। और आज के दिन सब को जो है भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और आज इस संयोग में जो है रात्रि के वक्त सुबह शाम को 6:38 से लेकर के, और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन 6:33 तक जो है 4 पहर की पूजा का विधान है। और इस पूजा में भगवान शिव का जो है आवाहन करना चाहिए, शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, और सबसे पहले भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए। और आप सब मिलकर के भगवान शिव की उपासना करेंगे और ध्यान लगाएंगे, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भगवान शिव में हो जाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, 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 जी ओम नमः शंभवाय चे मयो भवाय चे, नमः शंकराय चे महेश्वराय चे, नमः शिवाय चे शिवतराय चे। तो भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, और भगवान शिव के इस स्वरूप की आज बड़े धूमधाम से पूजा हो रही है और हर्षोल्लास से। कहते हैं कि जीवन में जो भी त्रिपाप है हमारे जीवन के अंदर, कहते हैं कि वाणी बुद्धि और इंद्रियों को जो है संयम रख करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और आज जो है लक्ष्मी योग भी बन रहा है, तो आज के दिन आप जो है माँ का भी पूजा करें, माँ का आवाहन करें, शक्ति की पूजा करें। जो त्रिपुंड है, जो हमारे जीवन के अंदर जी दैहिक दैविक भौतिक ताप है उनको हरने वाला है, और उसके ऊपर जो है आप देखें बिंदी है जो जी शक्ति का प्रतीक मानी गई है। तो हमारे जीवन में शिव और शक्ति का जो संयोग आज के दिन बन रहा है, और माँ शक्ति ने शैलपुत्री के रूप में भगवान शिव की जो पूजा की है, अर्चना की है, और भगवान शिव को पाने के लिए जो तपस्या की है उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। आज का दिन उनके विवाह के रूप में, क्योंकि आज के दिन विवाह और लोग नहीं कर सकते, भगवान शिव का ही विवाह हो सकता है, औरों के जी लिए जी तो विशेष पंडित विवाह जी माना ने जाता बड़ा ही सुंदर मंत्र आपको बताया कि किस तरह से इस मंत्र का जप करने से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी, आप बने रहिए हमारे साथ।